सलमान खान माफी नहीं मांगेगा अगर तुम्हें है, मार दो इसको। वो नहीं मांगे है माफी, माफी, तो माफी मांगनी पड़ेगी मत बिश्नोई समाज माफी लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके खौफ से अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं यहाँ तक खालिस्तानी भी लॉरेंस बिश्नोई से थर थर कांपते हैं लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ तेरह साल पहले एक मामला दर्ज हुआ आज अदालत ने उसी मामले में उसे बरी कर दिया है जिसके बाद अब सलमान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन चलिए जानते हैं इस फैसले के पीछे की वह कहानी हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है जेल में रहते हुए उसने अपनी गैंग के सहारे कई संगठक अपराधों को अंजाम दिया लॉरेंस बिश्नोई का अपराध की दुनिया में कदम रखना किसी छोटी घटना का नतीजा नहीं था बल्कि यह सफर शुरू हुआ था साल 2008 में उस वक्त लॉरेंस चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था यूनिवर्सिटी में चुनाव का माहौल गर्म था इस दौरान वह अपने दोस्त रॉबिन बराड उर्फ सोपू की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा था और उसके सामने विरोधी उम्मीदवार उदय खड़ा था आरोप है कि चुनाव की रंजिश इतनी बढ़ गई कि प्रचार के दौरान लॉरेंस ने अपने विरोधी पर अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी तब कहा जाता था कि यह घटना केवल एक व्यक्तिगत रंजिश या गुस्से का परिणाम नहीं था बल्कि यह लॉरेंस के भीतर उस विद्रोह और उसके खतरनाक स्वभाव की झलक थी जो अपराध की दुनिया में उसका रास्ता तय करने वाला था यह उसके जीवन में उस मोड़ पर पहला कदम था जिसने उसे एक खौफनाक अपराधी बना दिया हत्या की कोशिश के इस केस में उसे पहली बार जेल भेजा गया लेकिन जेल जाने के बाद भी उसके अंदर का गुस्सा और बगावत शांत नहीं हुआ बल्कि यह उसके अपराध के सफर की एक ऐसी शुरुआत बनी जो रुकने वाली नहीं थी साल 2008 में दर्ज हुए हत्या की कोशिश के मामले की सुनवाई कई सालों तक चली अदालत में सबूत पेश किए गए गवाहों की गवाही हुई और हर पहलू की जांच की गई पर सालों बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे तेरह साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत ने उसे बरी कर दिया मगर आज ये बात लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को क्यों मारना चाहता है आखिरकार क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्या लॉरेंस बिश्नोई का अगला शिकार सलमान खान है ये जानने से पहले आपको ये पूरी कहानी समझनी पड़ेगी जिसके चलते लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है सलमान खान ने बॉलीवुड में बुरे समय में सबका साथ दिया है मगर आज सलमान खान के बुरे समय में कोई उसके साथ नहीं खड़ा हो रहा दोस्तों तारीख थी तीन अक्टूबर साल था 1996 बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई को अचानक पता चलता है कि बाड़नो गांव में शिकारियों ने छह हिरणों को मार दिया है खबर मिलते ही निहाल चंद फौरन कुछ गांव वालों के साथ शिकार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं ये लोग शिकारियों को रोकने के लिए उन पर धावा बोल देते हैं शिकारी इन लोगों को अपनी तरफ आता देख गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं इस गोलीबारी में निहाल चंद जी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं मगर वो उस जगह को नहीं छोड़ते जहां मरे हुए हिरण पड़े थे आखिरकार शिकारियों को बिना हिरण लिए वहां से जाना पड़ता है कुछ देर बाद घायल निहाल चंद बिश्नोई की मृत्यु हो जाती है उन्नीस में भारत सरकार निहाल चंद जी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देती है इसके साथ ही निहाल चंद बिश्नोई जी पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्हें सेना में न होने के बावजूद शौर्य चक्र से नवाजा जाता है हो सकता है कि बिश्नोई समाज के बाहर इस कहानी से कुछ लोग वाकिफ न हो मगर बिश्नोई समाज में निहाल चंद जी की यह दास्तान हर कोई जानता है हमने भी इस वीडियो की शुरुआत अगर इस कहानी से की है तो इसके अपने रीजन है बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है लॉरेंस बिश्नोई का यह स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगते तब तक वह सलमान खान को माफ नहीं करेंगे बहुत से लोग जो राजस्थान या इस इलाके के बाहर के हैं वो यह बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक हिरण को मारना इतना बड़ा मामला कैसे बन गया बहुत से लोग लॉरेंस के इस गुस्से पर हैरान भी हो रहे हैं लॉरेंस ने सही किया या गलत हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं लेकिन हमारे व्यूवर्स के लिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिश्नोई समाज एक हिरण की मौत के लिए सलमान खान से आज भी इतना गुस्सा क्यों है हो सकता है कुछ कामों के लिए मासूम जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशन का हिस्सा हो लेकिन बिश्नोई समाज ऐसा है जहां जानवरों को इंसानों की तरह ही माना जाता है यह एक ऐसी कम्युनिटी है जहां महिलाएं जानवर के अनाथ बच्चों को स्तनपान तक करवा देती हैं बिश्नोई समाज के गुरु जम्भेश्वर जी ने इस कम्युनिटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि ये लोग पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं इससे पहले कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनकी सलमान खान से चल रही दुश्मनी पर आऊं आप एक और कहानी सुन लीजिए यह कहानी आपको बताएगी कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए हिरण या जानवर ही नहीं पेड़ पौधे भी क्या मायने रखते हैं राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है यह एक ऐसा पेड़ है जो भरे रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है खेजड़ी का पेड़ भी विष्णोई समाज में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि काला हिरण यह मामला है साल सत्रह सौ तीस का उस वक्त जोधपुर के महाराजा अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी तो उनके सैनिक गांव में मौजूद एक खेजड़ी का पेड़ काटने चले जाते हैं जैसे यह बात अमृता देवी नाम की एक महिला को पता लगती है तो वह पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है अमृता देवी ने सैनिकों को चुनौती दी कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पेड़ से पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी सैनिकों ने भी अमृता देवी की गर्दन काट दी उसके बाद पेड़ को बचाने आई अमृता देवी की तीन बेटियों को भी सैनिकों ने मार डाला और आखिर में अमृता देवी के पति को भी सैनिकों ने मार डाला आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन उस एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी यह बताइए दोस्तों कि दुनिया के इतिहास में आपने ऐसी कोई एक भी कहानी सुनी है जहां एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दन कटवा ली हो शर्म की बात है कि आजादी के बाद इतिहास लिखने वालों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का तो महिमा मंडन कर दिया मगर उन वामपंथी मक्कार ने आपको ऐसी एक कहानी नहीं बताई अगर ऐसी कहानियां इस देश के बच्चों ने पढ़ी होती तो वो अपने लोगों की बहादुरी के बारे में जान पाते आज के बच्चे ये समझ पाते कि बहादुरी का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि आप दूसरे राज्य पर कब्जा कर ले या आप मजहब फैलाने के लिए काफिरों की गर्दन काट लें बहादुरी का मतलब यह होता है कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए आपको अपनी गर्दन तक कटवाने पड़े तो भी आप पीछे ना हटे बहादुरी किसी को मारने में नहीं बल्कि बहादुरी एक पौधे एक जीव को बचाने के लिए अपनी जान तक देने में है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि बचपन में जब उसे यह पता लगा कि सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण मारा है तब से ही वो उससे बदला लेना चाहता था जो लोग उस वक्त के बारे में नहीं जानते उनको यह बता दें कि यह बात है उन्नीस की सलमान खान अपने को के साथ उस वक्त जोधपुर के आसपास हम साथ, साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तभी रात के अंधेरे में गांव वालों को गोली चलने की आवाज आई गांव वाले गोली चलने की जगह पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें गाड़ी में कुछ लोग दिखाई दिए गांव वाले गाड़ी को तो नहीं रोक पाए मगर उनमें से एक आदमी ने सलमान खान को पहचान लिया पड़ताल करने पर पता चला कि उस रात गांव में दो चिंकारा और तीन काले हिरण मार दिए गए हैं मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं कि क्रू मेंबर्स रुके हुए थे वहां काले हिरण के अवशेष मिले दो अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा मगर हाथों हाथ उनको जमानत भी मिल गई बिश्नोई समाज का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आज इस मामले को चलते तकरीबन साल हो गए हैं। मगर इन 27 सालों में सलमान खान को इस मामले में सिर्फ 18 दिन जेल जाना पड़ा और ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बावजूद वो आज भी जमानत पर है 2006 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी मगर 2007 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को सस्पेंड कर दिया फिर जुलाई 2016 आते आते राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को दो चिंकारा के शिकार के मामले में बरी ही कर दिया 2017 में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को शिकार के टाइम एक्सपायर्ड हथियार रखने के मामले में भी बरी कर दिया इसके बाद 2018 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को फिर से पांच साल की सजा सुनाई मगर सलमान अभी तक जमानत पर है इस तरह मामले के 27 सालों बाद भी बिश्नोई समाज अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है मगर हैरानी की बात यह है कि इसी के बाद 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के मामले में वो सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और पूरे बिश्नोई समाज की तरफ से उससे बदला लेकर रहेगा आज से दो साल पहले की बात है साल था 2022 महीना था जून का सलमान खान के फादर सलीम खान साहब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तभी उन्हें एक बेंच पर एक धमकी भरा खत मिलता है उस खत में लिखा था सलमान खान का हाल भी सिद्धू मूसे वाला जैसा कर देंगे इसके बाद मार्च 2023 में सलमान खान के ऑफिशियल मेल आईडी पर तीन धमकी भरे ईमेल भेजे जाते हैं इन ईमेल्स में साफ लिखा होता है कि अगला नंबर तेरा है जोधपुर आते ही तुम मुसेवाला की तरह मारा जाएगा इसके बाद मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई जेल से एक इंटरव्यू देता है उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई बताता है कि मेरा बचपन से एक ही सपना है सलमान खान को मारना इसके बाद अप्रैल 2023 में भी रॉकी नाम का एक लड़का फोन पर मुंबई पुलिस को सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है इस साल उस वक्त हद हो गई जब 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से दो मोटरसाइकिल सवार लोग उनके घर की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर फायरिंग कर देते हैं इस पूरे मैटर में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले मुंबई के एक बड़े नेता और सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी उस मर्डर के कुछ देर बाद ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ले ली यह खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोल रहा है कि जो भी आदमी सलमान खान की हेल्प करेगा वो मारा जाएगा आपको बता दें कि ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने 2013 में अपने घर हुई इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख खान की सुलह करवाई थी बाबा सिद्दीकी सलमान खान की फैमिली के बहुत क्लोज थे 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 में हिट एंड रन केस में पांच साल की सजा सुनाई थी तब भी बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाई कोर्ट पहुंचे थे उस वक्त उन्होंने सीनियर लॉयर हरीश सालवे से कांटेक्ट किया और सालवे ने सलमान खान की सजा को सस्पेंड करवा दिया था मगर बाबा सिद्दीकी की मौत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है वहीं सलमान खान की सेफ्टी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई है सलमान खान लगातार पब्लिकली आने से बच रहे हैं मुंबई पुलिस ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक चौकी भी बना दी सलमान खान की सिक्योरिटी में हर वक्त चालीस के करीब पुलिस वाले खड़े रहते हैं सलमान खान के फादर सलीम खान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि इन धमकियों के चलते हम लोगों की मूवमेंट पर काफी असर पड़ा है और हम उस तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जैसे पहले निकलते थे सलमान खान भी इन धमकियों के बाद अपने घर की बालकनी में आकर फैंस को वेव करना बंद कर चुके हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है आखिर वो इतना पावरफुल कैसे बन गया कि वो इतने सालों से जेल में बंद है फिर भी वो जेल से सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर को मरवा देता है बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा देता है सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां दे रहा है लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे बना इसे समझने से पहले एक बार यह जान लेते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी उन्नीस सौ तिरानवे को पंजाब के फाजिल्का में हुआ पैदा होने के वक्त वो बहुत गोरा चिट्टा था तो उनकी माता ने उसका नाम लॉरेंस रख दिया हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है लॉरेंस बिश्नोई का बचपन से स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था वो कुश्ती लड़ता था उसके पिता पुलिस में थे और वो चाहते थे कि बेटा आई एस बने अबोहर से बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया जहां उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया धीरे धीरे उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी इसी टाइम इसकी गोल्डी बरार से दोस्ती हो गई वही गोल्डी बरार जो आज कनेडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और जिसके गैंग ने सिद्धू मूसावाला की मर्डर की रिस्पांसिबिलिटी ली थी लॉरेंस ने 2011 में कॉलेज इलेक्शन लड़ने के लिए स्टूडेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी एसओपीयू के नाम से एक पार्टी भी बनाई थी मगर लॉरेंस अपना पहला इलेक्शन हार गया इस हार के बाद से लॉरेंस को काफी इंसल्टेड फील हुआ जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से भिड़ गया जिसने उसे इलेक्शन में हराया था कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज टाइम में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी आपसी रंजिश में दूसरे गैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया जिसके बाद लॉरेंस पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ गया आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था लॉरेंस गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया इस तिगड़ी ने हरियाणा में काला झटरी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ भी ग्रुप बना लिया इसके बाद लॉरेंस शराब माफिया ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा 2012 और 13 आते आते उसने अपना घर भी छोड़ दिया 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में अरेस्ट करके भरतपुर जेल भेजा गया था मगर एक पेशी के लिए मोहाली ले जाते टाइम वो पुलिस कस्टडी से भाग गया 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उसके घर के कुछ दूरी पर 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई बाद में पता चला कि उस पूरे मर्डर को भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रैड ने अंजाम दिया था पांच दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई इस हमले में एक शूटर भी मारा गया था मर्डर के कुछ देर बाद लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मर्डर की जिम्मेदारी ली थी इसके बाद इसी साल 14 अप्रैल 2024 को सुबह चार बजकर इक्यावन मिनट पर दो बाइक सवारों ने सलमान खान के बैरा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पर पांच राउंड फायरिंग भी की इस फायरिंग में गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर जा लगी फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली थी इसके अलावा कुछ दिन पहले जिस तरह बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की 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 सरेआम हत्या गई उसने तो पूरे देश को हिलाक रख दिया इस मर्डर की रिस्पांसिबिलिटी भी लॉरेंस गैंग ने ली आज लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं ये विदेशों से हथियार मंगवाते हैं इसके शब शूटर्स पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों व्यापारियों और सटोरियों के नंबर जेल में उसके पास पहुंचाते हैं लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है लॉरेंस ने एनआईए को बताया था कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की थी आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही नहीं है यह गैंग गोल्डी ब्राड के थ्रू कनाडा से ऑपरेट करता है गैंग के कई मेंबर्स कनाडा यूके यूएसए और दुबई में रहते हैं इन देशों में लॉरेंस गैंग को फंडिंग मिलती है यह पैसा हवाला के जरिए भारत आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है इंस्टाग्राम की गैंग में बहुत बड़े लेवल पर नाबालिग लड़के हैं इन लोगों को गैंग से जोड़ने के लिए यह एक-एक क्राइम के लाखों रुपए मिलते हैं आज लॉरेंस का नेटवर्क लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर इतना मजबूत है कि वो जेल में बंद होने के बावजूद पूरी दुनिया में कहीं भी क्राइम को अंजाम दे सकता है यही रीजन है कि सलमान खान को मिल रही उनकी धमकियों को पुलिस बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है सलमान खान को लगभग अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ रहा है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को एक क्रिमिनल की तरह देखते हैं वहीं ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को हीरो मान रहे हैं उनका मानना है कि कम से कम सलमान के केस में लॉरेंस गलत नहीं है वो ये गिनाना नहीं भूलते कि चिंकारा के शिकार से लेकर हिट एंड रन केस तक सलमान के नाम भी बहुत से क्राइम है इसलिए बहुत बड़ा सेक्शन सलमान खान के साथ आज कोई हमदर्दी नहीं रख रहा है हमारा मानना है दोस्तों कि किसी भी सिविल सोसाइटी में सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए फिर चाहे वो कानून लॉरेंस के मामले में हो या सलमान खान के मामले में हो बाकी आप इस मैटर पे क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं आप लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या सोचते हैं इस केस में सलमान को कितना ठीक या गलत मानते हैं इस पर भी अपनी राय जरूर दे साथ ही इस वीडियो में हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों को पता चल सके